ये गाड़ी है 2017 मॉडल S4, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे आज क्लासिक S11 में। पूरी डिटेल वीडियो आपको दिखाएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहें। जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो इसमें हम सारी क्लाइडिंग्स बदलेंगे जो चारों डोर की हैं, आगे से इसका बम्पर वगैरह चेंज होगा, जितने भी चेंजेस क्लासिक में आए हैं वो सब चेंज करेंगे। और इसका हमने बोनट भी चेंज किया है, क्योंकि इसका बोनट थोड़ा ख़राब हो रहा था, रस्टिंग थी, तो कस्टमर ने बोला कि इसका बोनट भी आप चेंज कर दो। जो हमने ब्रांड न्यू डाला है महिंद्रा का जेन्युइन, और जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ की जाएंगी वो सारी ओरिजिनल महिंद्रा की ही यूज़ की जाएंगी और न्यू यूज़ की जाएंगी। ओल्ड वाली क्लाइडिंग्स हम हटा चुके हैं, आप देख रहे होंगे गेट पे से, तो चारों डोर की हमने क्लाइडिंग इस पे से हटा दी है। और इसमें हम बैक बम्पर भी S11 क्लासिक वाला ही डालेंगे, जो कि इसमें मैंने बताया आपको S10 में अलग आता था। S2 से S10 तक एम हॉक वाला बम्पर आता था, जो पहले एम हॉक में भी आता था। तो अभी हमने इसमें जो है बम्पर फिट किया है, और जो ये हेडलाइट्स हैं ये पुरानी वाली हेडलाइट्स हैं, इसको हम निकालेंगे बाद में, और उसके बाद जो है फिर हम क्लासिक की हेडलाइट्स इसमें लगाएंगे। अभी हमने ऑल्ट्रेशन करके बम्पर फिट कर दिया है और क्लाइडिंग्स की हमने निकाल दी हैं चारों डोर की। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका हम रियर बम्पर भी चेंज करेंगे, जो हमने पुराना वाला निकाल दिया है, और अब नया वाला बम्पर इस पर हम लगाएंगे जो S11 क्लासिक में आता है। तो अभी हमने इसमें DRL लगा दिए हैं और फॉग लैंप लगा दिए हैं, जो प्रॉपर आपको S11 क्लासिक में ही मिलते हैं। और हमने इस पे अब क्लासिक की हेडलाइट्स भी लगा दी हैं, जो प्रॉपर क्लासिक में ही आती हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है साइड से क्रोम का हेडलाइट्स में, और जो इसका प्रोजेक्टर है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो अभी हमने इसमें एक साइड क्लाइडिंग्स लगा दी हैं, दूसरी साइड भी क्लाइडिंग लगाएंगे। क्लाइडिंग पेंट होंगी बॉडी से सेम मैच करके, जैसा कलर बॉडी का है। और इसमें हमने डी पिलर्स भी लगा दिए हैं रियर डोर पे, डिक्की पे हमने पट्टी लगा दी है नए मोनोग्राम की, और क्लासिक की बैजिंग भी हमने इस पे लगा दी है। और अब हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, जिसपे कि अब रबिंग का काम स्टार्ट कर दिया है हमने, और इसके बाद आपको दिखाते हैं हम गाड़ी का फाइनल लुक। तो फाइनल लुक हाजिर है आपके सामने, हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का, जो हमने पूरी कन्वर्ट की है S4 से 2017 मॉडल से क्लासिक S11 में। साइड लुक इसकी आप देख लीजिए, आगे से हमने आपको दिखाया, फ्रंट लुक भी, साइड लुक भी आप देख लीजिए। इसकी क्लाइडिंग हमने चेंज की है, और रियर डोर का दिखा देते हैं आपको। रियर डोर की मोनोग्राम वाली डिक्की की पट्टी हो जाती है, डी पिलर्स हो जाते हैं, बैजिंग हो जाती है क्लासिक की, ये हमने इसमें सारी चीज़ें लगाई हैं। और इसका हमने रियर बम्पर भी चेंज किया है, जैसा मैंने आपको बताया था इसमें ओल्ड वाले मॉडल का बम्पर था, क्योंकि ये S4 मॉडल थी, तो हमने इसका रियर बम्पर भी चेंज किया है। डी पिलर आप देख सकते हैं, और ये जो आपके लास्ट वाले शीशे के पास ये लगे होते हैं ब्लैक कलर के कान, इसको भी हमने हाइड्रो डिप करा के लगाया है, जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। और इस साइड की क्लाइडिंग भी हमने चेंज की हैं, जो हमने क्लाइडिंग्स पेंट किए हैं। इसका हमने फ्रंट बम्पर पेंट किया है, बोनट हमने इसमें नया डाला था वो भी हमने पेंट किया है। तो गाड़ी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं हमारा काम आपको कैसा लगा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कार गराज में। जैसा कि काफ़ी टाइम से आप लोगों की डिमांड थी, क्लासिक बनाइए, क्लासिक की वीडियो अपलोड करिए, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम क्लासिक, जो हमने कन्वर्ट की है बाहर बाहर से प्रॉपर क्लासिक S11 में। ये 2017 मॉडल था S4, जिसको हमने बाहर बाहर से पूरा क्लासिक बनाया है चारों तरफ से। इसमें हमने जो है फ्रंट ग्रिल डाली है आपकी पूरी क्लासिक की, जो टॉप मॉडल में आती है आपको S11 में क्रोम वाली। बम्पर इसमें पूरा हमने डाला है क्लासिक का ही, और आपके इसमें हेडलाइट्स हो जाते हैं जो प्रॉपर क्लासिक के हैं। हेडलाइट्स हर कोई चेंज नहीं कर रहा, हेडलाइट्स लोग पुराने ही लगा देते हैं S11 वाले। इसमें हमने हेडलाइट्स भी चेंज किए हैं दोनों, जो कि प्रॉपर क्लासिक के S11 के हैं। इसमें DRL आपको मिल जाता है, और उसके बाद आपको फॉग लैंप इसमें मिल जाता है आपको। और इसमें जो थोड़ा सा ये होता है कि हमें टाइम मेंबर में अंदर थोड़ी अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, जिसके बाद ही ये बम्पर इस पर फिट हो पाता है, ग्रिल इस पर आ पाती है। और उसके बाद मैं आपको साइड लुक दिखाऊंगा। इसमें हमने साइड से भी पूरा चेंज किया है, आपकी एक क्लाइडिंग ये हो जाती है, एक क्लाइडिंग आपकी ये हो जाती है, जो हमने पूरी उस साइड भी चेंज किए हैं और इस साइड भी चेंज किए हैं।
जो प्रॉपर आपको क्लासिक में मिलती हैं S11 में। तो ये पेंट करके ही लगाई जाती हैं। काफ़ी लोगों ने, हमने देखा कुछ गाड़ियों में कि लोगों ने ये भी ब्लैक कर दिए, ये सिल्वर होते हैं तो कुछ लोगों ने ये भी ब्लैक कर दिए, क्योंकि इसकी टेपिंग की जाती है उसके बाद ही इसको पेंट किया जाता है। एक बार पीछे का लुक दिखाते हैं आपको। तो ये जो है S4 थी, इसमें बम्पर भी एमहॉक वाला आता था पीछे, तो हमने बम्पर भी इसमें डाला है प्रॉपर S11 क्लासिक वाला। इसमें हमने ये पट्टी देख रहे हैं आप न्यू लोगों के साथ, जो हमने पट्टी भी इसमें चेंज की है। उसके बाद यहाँ आपको क्लासिक की बैजिंग मिल जाती है और ये आपके डीपलर हो जाते हैं रिफ्लेक्टर, ये भी हमने इसमें क्लासिक वाले प्रॉपर डाले हैं। तो पूरी गाड़ी कंप्लीट प्रॉपर तरीके से, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ये कमी है, प्रॉपर हमने क्लासिक बनाई है। और मैं आपको, तो अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं हम। अगर आप आग फ्रंट से और पीछे से सिर्फ क्लासिक बनवाते हैं, आपका एस सीरीज का कोई भी मॉडल होता है अगर, और फ्रंट से और बैक से आप बनवाते हैं, तो उसकी प्राइसिंग रहेगी 90,000 रुपये। और अगर आप चारों तरफ से इसको बनवाते हैं, साइड क्लैडिंग भी चेंज करवाते हैं, इस साइड की क्लैडिंग भी चेंज करवाते हैं, चारों तरफ से प्रॉपर आप अगर इसको बनवाते हैं, तो इसकी प्राइसिंग रहेगी 1,10,000 रुपये, जिसमें कि हेडलाइट इंक्लूड नहीं होंगी। अगर आप हेडलाइट्स भी चेंज करवाते हैं दोनों, अगर आप हेडलाइट्स दोनों चेंज करवाते हैं, तो उसके लिए आपको 20,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हेडलाइट्स के लिए। जो हमारी 1:10 की प्राइसिंग है आगे पीछे से और चारों तरफ से आपको क्लासिक बना के देंगे, जिसमें कि आपकी हेडलाइट इंक्लूड नहीं होगी। और अगर आप सिर्फ आगे से और पीछे से ही बनवाना चाहते हैं, तो उसकी प्राइसिंग रहेगी 90,000 रुपये, जिसमें हम आपको पूरी गाड़ी की रबिंग भी करके देंगे, डिटेलिंग वगैरह सारी चीज़ करके देंगे। आपको गाड़ी बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आप ब्रांड न्यू लेके जा रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी का बाई चांस पेंट वगैरह ख़राब होता है, तो उस चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उस पीस को पेंट कराने के लिए। मान ली हमने साइड क्लाइडिंग लगाई और आपके गेट का पेंट ख़राब है पहले से या रीपेंट है, अगर वो मिसमैच होता है, तो उसके लिए हमें पूरा गेट पेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने होंगे। अगर आपकी गाड़ी में ये वाली डिग्गी है सेम इस तरह की, और इस तरह का बम्पर है और स्पॉइलर है बंद वाला, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे जो हमने पैकेज बताया है। अगर आपकी डिग्गी चेंज करनी पड़ती है, डिग्गी S10 वाली जो S10 मॉडल में आती है, S2 से S10 तक, इसमें एक पट्टा लगा होता है, अगर वो वाली डिग्गी होती है तो डिग्गी भी उसमें चेंज होगी, जिसका एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। बम्पर अगर आपका पहले वाला होता है जो M-Hawk में भी आता था और S2 से S10 में भी आता है, अगर वो बम्पर होता है तो बम्पर भी उसमें हम चेंज करेंगे, जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। और अगर स्पॉइलर आप चेंज कराते हैं जो लाइट वाला होता है, अगर ये बंद वाला आप लगवाते हैं, तो स्पॉइलर के चार्ज भी एक्स्ट्रा होंगे। जो हमने प्राइसिंग आपको बताई है वो S3 से लेके और S11 की प्राइसिंग है, जो कि आपकी पूरी गाड़ी हम बाहर से बनाकर देंगे। अगर चारों तरफ से आप गाड़ी बनवाएंगे फोर साइड, तो 1,10,000 का प्राइसिंग रहेगा। आगे पीछे से बनवाएंगे तो उसका 90,000 रहेगा, जिसमें हेडलाइट इंक्लूड नहीं है। हेडलाइट अगर आप चेंज करवाते हैं, तो उसके लिए 20,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, जो हम क्लासिक की ब्रांड न्यू हेडलाइट्स आपको लगा के देंगे। और कोई भी सामान पुराना यूज़ नहीं होगा, सारा सामान जेन्युइन महिंद्रा का नया यूज़ किया जाएगा। तो टाइमिंग की मैं बता दूँ आपको, इसमें जो टाइम रहेगा, अगर आपकी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, जो कंपनी से होके आई थी, वाइट हो या ब्लैक, अगर आप ओरिजिनल गाड़ी लेकर आते हैं, तो आप सुबह गाड़ी लाइए और शाम को ले जाइए, जिसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी हमारे पास। तो आप सुबह आएंगे और शाम को गाड़ी हम आपको दे देंगे। अगर आपकी गाड़ी रीपेंट है वाइट कलर में, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर आपकी गाड़ी ब्लैक है जो ओरिजिनल है, तो उसके लिए आपको अब सिर्फ सुबह आपको आना है और शाम को गाड़ी आपको क्लासिक बना के हम दे देंगे। जो लोग दूर से हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जाएंगे कहाँ, रुकेंगे या फिर दोबारा आएंगे गाड़ी छोड़ के, तो उसके लिए आपके लिए छोटी सी सुविधा हमारी तरफ से है, सुबह आइए और शाम को क्लासिक बना के ले जाइए। तो गाड़ी के जो ओनर हैं वो आ चुके हैं, हम गाड़ी की डिलीवरी कर रहे हैं भैया को। तो भैया से पूछेंगे, जो हमने इसमें काम किया है सारा, वो भैया को कैसा लगा, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी हमसे वो हमने पूरी की है या नहीं, तो भैया बताइए। भैया आपने सारी एक्सपेक्टेशन जो भी मेरी थी वो पूरी करी है, क्योंकि जो भी एक ये होता है कि आपने नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपनी में भी ये काम करवा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, जो कि बिल्कुल ऐसा कोई बिल्कुल प्रॉपर ये फील है कि मैं शोरूम से ही डिलीवरी लेने आया हूँ, क्योंकि जो काम है वो बिल्कुल जो टॉप मॉडल में है शोरूम में, वो सेम ही आपने करा है। तो भैया इसकी जो फिटिंग वगैरह आप देख रहे हैं, जो हमने पार्ट्स इसमें डाले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सारी चीज़ एकदम परफेक्ट है, और
मैं आपको अगर रेटिंग दी जाए तो रेटिंग में भी 5 out of 5 पूरी रेटिंग है इसमें। जो हमने इसमें पेंट किया है, हमने इसमें बोनट भी पेंट किया है और बम्पर भी पेंट किया है, पेंट में आपको कोई कमी लगी? नहीं भैया, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जैसी हमने इसको क्वालिटी दी है, आपकी गाड़ी ओरिजिनल है आगे पीछे से, तो उस तरह से आपकी मैच कर रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट मैच, कहीं से कहीं तक ऐसा लग ही नहीं रहा, कोई फील ही नहीं है कि कहीं से कोई पीस पेंट हुआ, प्रॉपर मैचिंग है ये। तो बाकी जो हमने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, हेडलाइट्स वगैरह, आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल महिंद्रा की मिली हैं? जी बिल्कुल, महिंद्रा की ओरिजिनल सारी चीज़ें क्लासिक की हमने इसमें डाली हैं, आप देख रहे होंगे। तो भैया, आपको गाड़ी फाइनली जो है आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरी है? जी जी बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स हैं काफ़ी जो कहते हैं कि कस्टमर रिव्यू डाला करिए, तो हमारे कस्टमरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कस्टमर के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, भैया एक बार आप आके ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगी।